हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक थोड़ा अलग सा वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मेरी बेटी भी इंक्लूड होगी। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरी बेटी का आफ्टर स्कूल रूटीन वाला वीडियो। तो मेरी बेटी जो है वो 3 साल की है। जो भी कोई नए सब्सक्राइबर होंगे मैं उनके लिए बता रही हूँ, मेरी बेटी जो है वो 3 साल की है, प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ती है यानी कि नर्सरी में पढ़ती है। तो उसको स्कूल से लाने के बाद में उसका जो रूटीन होता है, मैं उसे कैसे फ्रेश कराती हूँ, उसे क्या खाना खिलाती हूँ, कैसे खिलाती हूँ, उसे कैसे मैनेज करती हूँ मैं आफ्टरनून इवनिंग तक, तो ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो से बिल्कुल भी ये कुछ जताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि आई एम द बेस्ट मॉम। आई नो दैट एवरी मॉम इज़ बेस्ट। और वो लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जगह पे बहुत सही होते हैं और माँ से सही तो कोई होता नहीं है। और तो बस मैं मेरा जो एक रूटीन है मेरी बेटी के साथ में वाला, बस मैं वो आज शेयर करने वाली हूँगी। तो होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर चिपका देना है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो उसको स्कूल में लाने से पहले मेरे ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर लेती हूँ, और कभी कभी थोड़े बहुत काम बच जाते हैं, नहीं तो मैं ऑलमोस्ट अपने काम 90% अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं उसे लेने जाती हूँ, वो बस से आती है, उसके स्टॉप पे मुझे लेने जाना पड़ता है। तो उसे लेने जाने से पहले सबसे बड़ा वाला मेरा काम होता है वो उसकी ड्रेस सेलेक्ट करके रखना। तो उसके आने से पहले मुझे उसकी ड्रेस सेलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी बात होती है, बिकॉज अगर वो आने के बाद अगर उसके सामने कबर्ड खोला जाए उसके ड्रेस के लिए, तो फिर वो ये नहीं पहनूंगी वो नहीं पहनूंगी, काफ़ी टाइम तक वो मतलब चिढ़ने लगती है, रोने लगती है, उसके आते ही उसका मूड ऑफ हो जाता है। इस वजह से मैं उसके उसको लेने जाने से पहले ही मैं उसका ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने उसका ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है और अभी बज रहे हैं 1, और अभी हम उसे लेने जाएंगे। तो चले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं स्टॉप पे आ चुकी हूँ। जस्ट अभी मेरी बेटी उतरेगी। मेरी बेटी जो है वो सबसे लास्ट में उतरती है, बिकॉज ऑफ कि उसको जब स्टॉप आता है तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, तो इसलिए वो आराम से मज़े से अपने सीट पे बैठे रहती है। जब ये भैया आवाज़ देते हैं तब वो उतर के आती है। तो अब इन्होंने आवाज़ दिया है, अब वो आएगी, सबसे लास्ट में उतरती है वो। ये रही मेरी बेटी। सो फ्रेंड्स, मैं इसे घर लेके आ चुकी हूँ। अभी तो काफ़ी थक जाती है, इस वजह से मैं इसे गोदी गोदी लेके आती हूँ, और अभी एक जगह बैठा के मैं इसको चेंज कराऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी तरह से अपना फेस वॉश कर रही है। तो इस तरह से रोज़ स्कूल से आने के बाद खुद फेस वॉश करती है। सो फ्रेंड्स, ये फ्रेश हो चुकी है, अब मैं इसे चेंज करा दूँगी। तो स्कूल से आने के बाद सारी चीज़ें इसके हिसाब से लेनी पड़ती है, तभी ये कोऑपरेट करती है। अगर हम कहें कि हमारे हिसाब से करो फास्ट फास्ट, तो ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती है। तो बड़े प्यार से, बड़े मस्ती से इसे समझाना पड़ता है। तो आप देख सकते हो ये पैर से मुझे पीछे करने की कोशिश कर रही है, यानी कि इसकी चेंज करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। और साथ ही साथ में पूरे दिन भर की स्टोरी भी सुनाई जा रही है कि टीचर ने ऐसा कहा, टीचर ने वैसा कहा, मेरे ये फ्रेंड्स ने ऐसा कहा, मेरे वो फ्रेंड ने ऐसा कहा, ये सारी चीज़ें वो मुझे बता रही है। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें वो बता रही है मुझे। तो मैं उसका वो सारी बातें सुनते सुनते उसको चेंज करा रही हूँ, लेकिन मैडम जी है जो है वो अच्छे से तो करेंगे नहीं, वो फुल ऑन मस्ती के मूड में होती है आने के बाद में। तो मैंने जो ड्रेस सेलेक्ट करके रखा था वही उसे पहनाऊंगी। ड्रेस सेलेक्ट करके रखने से आने के बाद में वो कुछ जिद नहीं करती है, जो ड्रेस रहा वही चुपचाप से पहन लेती है।
तो मेरे लिए काफी इजी हो जाता है। आप देख सकते हो कितना मुश्किल काम है इसे ड्रेस पहनाना, बिल्कुल भी नहीं मानती है ये। बहुत शैतानी करते रहती है ये, कहीं भी चढ़ के कहीं से भी जंप करने लग जाती है, आप देख सकते हो। इसे ड्रेस पहनाने में, फ्रेश कराने में मुझे पूरा 1 आवर चला जाता है, पूरा 1 घंटा लग जाता है मुझे इसे संभालने में, इसे चेंज कराने में, इसे फ्रेश कराने में। तो चेंज कराने के बाद में मैं इसे हल्का सा पाउडर लगा के इसके थोड़े हेयर स्टाइल करवा देती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर तो सुबह जब नहाती है ये, तभी मैं इसको लगा देती हूँ, और एक बार रात में लगा देती हूँ इसको मॉइस्चराइजर, बाकी टाइम में इसे पाउडर ही लगाती हूँ। तो पाउडर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से लगाने देती है, वो पाउडर लगाना हो, बाल बनाना हो, उसे बहुत पसंद है। बाकी टाइम बदमाशियाँ करेगी वो, लेकिन पाउडर लगाते समय या हेयर स्टाइल कराते समय वो कभी बदमाशी नहीं करती है, एक जैसे बैठे रहती है शांति से। उसे काफ़ी पसंद होता है मेकअप करवाना, तो दिन भर मैं उसकी चोटी बनाती हूँ स्कूल में, तो इस वजह से मतलब स्कूल में चोटी बना के भेजती हूँ, इस वजह से घर में आने के बाद में उसके बाल खुले ही छोड़ देती हूँ बस ऐसे ही, ताकि उसे भी थोड़ा रिलैक्स फील हो जाए। एनी टाइम चोटी बांधे रहेगी तो उसे भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, इस वजह से मैं खुले छोड़ देती हूँ उसके बाल। और मैडम को पिन लगानी थी, इस वजह से मैं उसे मैचिंग पिन लगा के दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जब वो सो जाएगी तब निकाल लूँगी मैं। तो आप देख सकते हो कितने शांति से, कितना अच्छा बच्चा बन के ये अपनी हेयर स्टाइल करवा रही है। तो ये हो गई मेरी क्यूटी पाई रेडी, अब हम इसको खाना खिलाएंगे, तो उससे पहले इसको थोड़ी देर में खेलने दूंगी। सो फ्रेंड्स, स्कूल से आने के बाद बच्चों को अगर थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए खेलने दिया जाए, तो इनका माइंड जो होता है एकदम रिलैक्स हो जाता है, रिफ्रेशमेंट टाइप होता है इनके लिए खेलना, बच्चों के लिए। इनको रेस्ट तो जितना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ में इन्हें खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये 10-15 मिनट तक इनके हिसाब से खेलेंगे तो ये काफ़ी शांत और अच्छा फील करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वजह से मैं इसको रेडी कराने के बाद में 10-15 मिनट के लिए खेलने देती हूँ, ताकि तब तक मैं सारी चीज़ें समेट लूँ, जैसा इसका यूनिफॉर्म, बैग, बास्केट, टिफिन, जो कुछ भी सारी चीज़ें हो वो इन्हीं 10-15 मिनट में मैं समेट लेती हूँ। और सारी चीज़ समेटने के बाद में फिर मैं इसके लिए लंच निकालती हूँ, और जैसे ही लंच निकाला तो ये खुद ब खुद आ जाती है खाना खाने के लिए। तो ये अपने खिलौने में पफ फ्राइज लेके खेल रही है, मैंने उसे पफ फ्राइज दे दिए हैं थोड़े से, तो वो उसके साथ खेल रही है। तब तक मैंने सारी चीज़ें समेट ली है, और उसी के साथ साथ उसके लिए लंच भी निकाल लिया है। और स्कूल से आने के बाद में मैं उसे खुद अपने हाथों से लंच कराती हूँ, क्योंकि इतने टाइम बाद आती है स्कूल से तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं अपने हाथों से इसे फीड कराऊंगी अभी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए लंच निकाल लिया है, और इसे अभी मैं खुद अपने हाथों से फीड कराऊंगी। तो स्कूल से आने के बाद में मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ कि इसे एक फुल अच्छा डाइट मिले, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सब कुछ मैं इसे खिलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ अच्छे से खा नहीं पाती है ये, और काफ़ी थक जाती है, तो एक अच्छे डाइट की काफ़ी ज़रूरत होती है। इस वजह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा पूरा खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे। सो फ्रेंड्स, खाना खाते समय भी ये शांति से नहीं खाती है, बट इसे किसी से भी मैं मैनेज कर करके खाना खिलाती हूँ। तो अभी इसे खाना खिला दूंगी मैं, और फिर डायरेक्ट मैं इसे सुला दूंगी। सो फ्रेंड्स, खाना खिलाने के बाद मैं डायरेक्ट इसे बेड पे लेके आ जाती हूँ। ये थोड़ी देर मस्ती शैतानी करते करते कुछ अपनी बातें बताते बताते ये सो जाती है, क्योंकि बहुत थकी हुई होती है दिन भर की। तो ये थोड़ी 5-10 मिनट मस्ती करते करते ये सो जाती है, तो बस इसे थोड़ी सी थपकियाँ लगानी पड़ती है, कुछ एक दो बस लोरियां सुनानी पड़ती है, और ऐसे करते करते ये सो जाती है। थोड़ी बहुत इसकी बातें सुन लेनी पड़ती है कुछ अगर ये बताती है तो, और फिर ये शांति से ही सो जाती है।
सो फ्रेंड्स, ये सो चुकी है अभी। 5-10 मिनट लगे बस मुझे सुलाने के लिए, थकी हुई होती है इस वजह से ये जल्दी सो जाती है। तो अभी ये सो गई है, मैं इसकी बाजू में इस वजह से टेढ़ी लगा रही हूँ ताकि एहसास रहे इसे कि कोई है पास में, क्योंकि अभी मैं इसे बेड पे छोड़ के अपने काम करने जाने वाली हूँ। जो भी मेरे कुछ रिमेनिंग काम्स हैं मैं वो कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद में मैं भी आके इसके पास थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो यही था फ्रेंड्स मेरा एक छोटा सा वीडियो इसका, मेरे बेटी के आफ्टर स्कूल रूटीन वाला। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।